क्या भाई सब आ गए वीडियो में, देख लेना चैनल पे। ज्यादा नहीं करो, एक्सीडेंट हुआ भाई। एक्सीडेंट हुआ लगता है। ये देखो भाई, यहाँ पे रेस लग चुका है, जिक्सर वर्सेस R15। सो हे वेरी गुड इवनिंग गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसी है अपनी YouTube फैमिली, आई होप कि सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आई एम ऑल्सो गुड। अभी शाम को तो अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं एंड अभी मैं निकला हूँ शॉर्ट स्पिन के लिए एंड एक एग्जॉस्ट नोट के ऊपर के रिएक्शन का। तो बेसिकली आज बस इसी मकसद से बाहर आए ही हैं कि सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस नोट करने आज, एंड कैसे रिएक्शंस मिल रहे हैं इस चीज़ का वो चीज़ देखना है। अलग अलग लोकेशंस पे चल के अपन लोग आज चेकआउट करने वाले हैं एग्जॉस्ट नोट के रिएक्शन को, कि क्या रिएक्शन मिलता है एग्जॉस्ट नोट का। और जितना ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया रहता है उतना ज़्यादा रिएक्शन मिलता है भाई। भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, पता नहीं क्यों। एक्सीडेंट हुआ भाई, एक्सीडेंट हुआ लगता है। पता नहीं कौन सा बाइक था, स्प्लेंडर था शायद, वो वाला जो टूटा हुआ है क्या। हाँ कोई कार वाला मार के भागा है, कार का विकअप देखो गिरा हुआ है, कोई कार वाला मार के भाग गया। ओह माय गॉड, क्या कहा जा सकता है भाई। जब भी यार इधर आता हूँ ना, ये सब चीज़ देख लेता हूँ तो मूड ही पूरा ख़राब हो जाता है एकदम से। और इसीलिए कहता हूँ कि यार मिरर्स को ओपन करके चलो आप लोग भी अगर रोड पे बाइक चला रहे हो तो, क्योंकि देखो मिरर्स खोल के चलोगे तो एटलीस्ट इतना है कि आप पीछे देख सकते हो कि पीछे से कौन सी मतलब व्हीकल आ रही है और मतलब किस तरह से वो गाड़ी चल रहा है पीछे में। जैसे ये डस्टर देखो भी उड़ते हुए गई तो मुझे ये चीज़ दिख गया। तो अगर आपको ये चीज़ पहले दिख जाता है तो आप एटलीस्ट थोड़े से अलर्ट हो जाते हो, अलर्ट होने के बाद इतना है कि आप अपने बाइक को साइड कर लोगे। ये देखो भाई यहाँ पे रेस लग चुका है, जिक्सर वर्सेस R15। तो ये देखो गाइस अभी मैं आ गया बोरिंग रोड आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए रिएक्शन लेने के लिए, और कोई काम नहीं था। बस अभी बोरिंग रोड आए हैं एंड इधर से चलते हैं उस साइड गोल्ड्स जिम वाले रास्ते के साइड। तो उस रोड में ना बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन मिलता है, क्रेजी क्रेजी। यहाँ पे अगर भीड़ होगा तो ठीक है। एसकेपुरी पार्क भाई साहब, एसकेपुरी पार्क आए हुए बहुत टाइम हो चुका, पहले मैं बहुत ही आता था, मतलब रेगुलर आ जाता था यहाँ पे। बट अब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम क्या, मुझे तो याद भी नहीं कि लास्टली कब आया था। एक टाइम पे मैं सुबह में आया था एंड वो भी किसी फ्रेंड के कहने के बाद आया था, खुद से थोड़ी ना आया था। एक फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा ज़िद किया था तब जाके गया था मैं, क्योंकि अपन लोग को बैठने के लिए जगह चाहिए था तो इसके लिए बस हम लोग गए थे।
कि अभी एग्जॉस्ट नोट सुन के एकदम से कुत्ता जो है वो पागल हो गया था और वो काटने ही वाला था इसके पैर में। क्या करें भाई, कैसे कैसे बचे हैं क्या बताऊं। अभी आप लोगों ने देखा होगा सीन, अगर रिकॉर्ड हुआ होगा कैमरे में तो, क्योंकि भाई एकदम से बाइक ना लड़ने वाली थी सामने वाली कार में, रेड कलर की एक कार खड़ी थी उसमें बाइक लड़ने वाली थी, और भाई का एक पैर भी जाके लगा है कार के साइड मिरर में, जाके इसको चोट भी लग गया यार उस चक्कर में। तो यार अभी ट्रैफिक में चलाते चलाते पूरा हाथ मेरा जो है पेन देने लगा, और क्योंकि देखो अब डेली उतना ज़्यादा चलाता नहीं हूँ ना, इसके वजह से हाथ में पेन होना स्टार्ट हो चुका है। तो यार कोई भी बाइक जिस पर लीन होकर चलाना पड़े ना, उन बाइक्स को अगर आप कम चलाओगे ना तो हाथ में पेन जो है स्टार्ट हो जाता है होना। उसके लिए है कि आपको रेगुलर चलाना पड़ेगा बाइक को, तब जाके ही सब कुछ जो है ठीक रहता है। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अभी भीड़ है, क्या भाई सब आ गए वीडियो में देख लेना चैनल पे, ठीक है। कैसा लगा एग्जॉस्ट नोट? पीछे ही पुलिस रहता है, ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा करेंगे तो तुरंत चलाएगा सब।
आज सिंगल बना ले रहा है ये फोटो आओ या हां कह के दे दे दादा जी दादा सब कुछ कर।